नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर गाजीपुर से है, जहां आज सौरव मोड़ पर संपूर्ण विकास दिव्यांग सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नजर आए। वहीं पर दिव्यांग जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार हम लोगों की कोई मदद नहीं करती है, हम दिव्यांग अपने बजट से इन दिव्यांगों को कंबल वितरण करते हैं। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे गाजीपुर के दिव्यांग मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, उनका ध्यान हम दिव्यांगों की तरफ नहीं है, केवल वह राजनीति करते हैं, हमें तो लगता है कि वह खुद दिव्यांग हो गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समझ लीजिए कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना, मूल उद्देश्य है दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना कि वो स्वयं अपना जीवन यापन करना पहले तो चालू कर दें। चूंकि सरकार से कोई ताल्लुकात तो रह नहीं गया है और ना ही सरकार इन लोग पे ध्यान दे रही है, जो मूलभूत इन लोग को चाहिए वो मिल नहीं रहा है, ऐसा क्यों होता रहा है। इसलिए मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से दिव्यांगों का ये समस्या का मैं समाधान करता हूँ। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कोई लाभ नहीं, कोई मुहैया नहीं, जबकि आपके ही जो है मंत्री गाजीपुर के भी हैं, आप ही एक विभाग से हैं, तो वो आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे हैं, लाख दावा कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, ऐसे में क्या कहेंगे उनको, आप क्या संदेश देंगे आप? मैं बता दूं आपको कि जो हमारे दिव्यांग मंत्री हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अपने ही गाजीपुर के ही जिले से किसी न किसी विधानसभा से वो मंत्री हैं, विधायक बने मंत्री बने, लेकिन उनको राजनीति की ललक है और वो दिव्यांग के बारे में क्या कहेंगे, उनको दिव्यांगता, वो खुद एक दिव्यांग व्यक्ति बन चुके हैं, मेंटली अगर देखा जाए तो वो मेंटल दिव्यांग हो चुके हैं और हमेशा उनको राजनीति की ललक है। अगर देखा जाए कि अगर उनसे कह दिया जाए कि किसी दिव्यांग के बारे में आप कहिए तो क्या कहेंगे, एक भोजपुरी में कहावत है, कहना चाहिए, मैं कहूंगा कि भोजपुरी में कहावत है कि जेकर बेवाय न फाटे वो पीर पर आए का जाने। अगर एक अच्छे व्यक्ति से कह दिया जाए कि आप हमारे दर्द को व्याख्या करें तो क्या कर पाएंगे। तो ऐसे में 2019 का चुनावी बिगुल भी बज चुका है जी, जनता जो है अभी एकदम मन बना ली है जी, आप लोगों का जो है समाज जो है आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हम भी एक समाज के अंग है, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव से मतलब दूर है, हम भी वोट किसी ना किसी को ही देंगे, लेकिन देखा जाए चुनाव में तो चुनाव आते ही तरह तरह के वादे दिखाने लगते हैं, जैसे लॉलीपॉप इतना लोग देने लगते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है गुम हो जाते हैं, 5 वर्ष के लिए गुम हो जाते हैं और जाने के बाद उनके दरवाजे तक हम जाएं तो वो हमको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, ऐसा मैंने देखा है। सभा सौरम से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जी। कन्हैया जी, इस तरह का नेक पहल जो है दिव्यांग द्वारा किया जा रहा है, खुद अपने ट्रस्ट जो लोग पैसा लगा करके चंदा लगा करके लोगों को तक जागरूक कर रहे हैं जी, तो ये एक तरह से नेक पहल कहेंगे आप या क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत नेक पहल इसको ही कहेंगे। और हमारे मित्र हैं जितेंद्र दिव्यांग जी, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला करके हम अपने को बहुत सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं ऐसे कार्य में जो मैं किसी का सहयोग कर रहा हूँ, मैं इस कार्य से और बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सरकार जो है बहुत बड़ी बड़ी वादे करती है कि रैन बसेरा खोलेंगे, हम हेलीपैड खोल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए अभी तक कोई सुविधा इस गाजीपुर जिले में कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारे जो जिले के ही मंत्री हैं दिव्यांग मंत्री ओम प्रकाश जी, वो हमारे मित्र बोले, अच्छे बोले, वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते हैं केवल, और दिव्यांग मंत्री होकर के दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं किए, कार्य किए, वो एक के ऊपर कटाक्ष केवल करते हैं, मगर हम दिव्यांग मंत्री होकर के वो दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो है आज के कार्यक्रम से जनता को संदेश क्या देंगे? जनता को हम यही सहयोग संदेश देंगे कि एक जितेंद्र जी दिव्यांग होकर के दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं, इनका कोई बड़ा सरकारी कोई सहायता नहीं मिलता है, ये जन संपर्क से ही अपना ये ट्रस्ट के माध्यम से जन संपर्क करके और दिव्यांगों को सम्मान करते हैं, और जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग मिल करके इनका सहयोग करें। गाजीपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।